बच्चों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे और स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आपको दिए जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके जो मेन एग्जाम होंगे CBSE के, उनमें भी आपके काम आएंगे। ये यूनिट टेस्ट है। यूनिट टेस्ट की तैयारी हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम की, वो अच्छी तरह से हो सके। और आपने क्या लर्न किया है, टीचर्स ने आपको क्या समझाया है, वो सारी चीज़ों का मूल्यांकन इस यूनिट टेस्ट के माध्यम से हो सकता है। इसलिए जो भी वर्क आपको दिया जाए आपके टीचर्स के द्वारा, उसको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। और अपने जो यूनिट टेस्ट, आपका जो एग्ज़ाम है जो बहुत ही जल्दी शुरू होने जा रहा है, उसमें आप बेटर से बेटर रिजल्ट दे सके, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और मुझे पूर्ण पूर्ण विश्वास भी है कि आप अच्छे बच्चे हैं और टीचर्स के द्वारा जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे। थैंक यू। उसी के क्रम में आगे जो आपका तीसरा लेसन आज शुरू करने में जा रहा हूँ, उसका नाम है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, मतलब नियोजित विकास की राजनीति। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, वो आप अच्छी तरह से सुने। जैसा कि आपको पता है कि भारत को आज़ादी 1947 के अंदर मिली थी। अंग्रेजों ने जैसे ही भारत को छोड़ा तो भारत के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। केवल यही प्रॉब्लम नहीं थी कि अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाए, अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद भी भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। और वो समस्या थी कि भारत का विकास, अपने देश का विकास किस तरह से किया जाए। तो उस समय भारत के सामने केवल दो ही विकल्प थे दुनिया के अंदर। नियोजित विकास के दो ही मॉडल थे, एक मॉडल पूंजीवादी था, दूसरा मॉडल समाजवादी मॉडल था। तो जो पूंजीवादी जो मॉडल था वो अपनाया हुआ था यूरोप के कुछ देशों ने, अमेरिका ने पूंजीवादी मॉडल अपनाया हुआ था। और जो समाजवादी जो मॉडल था वो सोवियत संघ, जो सोवियत रूस है, उसने अपनाया हुआ था। तो भारत के सामने ये प्रॉब्लम थी कि वो कौन सा मॉडल अपनाए, लेकिन भारत ने इन दोनों मॉडल में से कोई से भी मॉडल को न अपनाकर इनका मिश्रित रूप को अपनाया। उसके बाद क्या होता है कि 1951 के अंदर, 1950 के अंदर क्या योजना आयोग की स्थापना होती है, आज इसको हम नीति आयोग कहते हैं, जिनको 2015 में जिसकी स्थापना हुई थी। नीति आयोग का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, मतलब भारत को परिवर्तन करने की एक संस्था है नीति आयोग, जिसके अंदर एक योजना बनाई जाती है कि भारत का किस तरह से विकास किया जाए। तो इस तरह से भारत के अंदर जो विकास की प्रक्रिया शुरू हुई, नियोजित विकास की जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसके अंदर पंचवर्षीय योजनाओं का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की होती है और इसकी इंस्पिरेशन हमें सोवियत संघ से मिली थी। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना हमारे देश के अंदर लागू हुई थी वो 1951 में हुई थी, जो कि 1951 से 1956 तक चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी। और तीसरी जो 1961 से 1966 तक चली थी। पहली पंचवर्षीय योजनाओं पर जो जोर दिया गया था वो कृषि पर जोर दिया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर जोर दिया गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर हमने कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर दिया। लेकिन जो 1966 के अंदर जो पंचवर्षीय योजना शुरू करनी थी, वो आर्थिक संकट के कारण हम उस पंचवर्षीय योजना को शुरू नहीं कर पाए और उसके अंदर गैप आ गया। तो इस तरह से पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हमारे देश के अंदर हमारे विकास का कार्य शुरू किया गया, जिसको हम नियोजित विकास की राजनीति कहते हैं। तो आज इस लेसन के अंदर हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में किस मत पर ज़्यादा जोर दिया गया, किसको बढ़ावा दिया गया, कृषि को बढ़ावा दिया गया, उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। आगे इसके हमने विकास के मॉडल के ऊपर दो तरह के विवाद थे, कृषि बनाम उद्योग, कृषि सही है या उद्योग सही है, या सार्वजनिक क्षेत्र सही है या फिर अपना निजी क्षेत्र सही है। ये विवाद हमेशा चलते आ रहे हैं कि कृषि पर ज़्यादा जोर दिया जाए या उद्योगों पर जोर दिया जाए, या सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर बस रखा जाए या नियंत्रण रखा जाए, या फिर निजी क्षेत्र पर का नियंत्रण दे दिया जाए। ये विवाद हमेशा चले आ रहे हैं। तो आज जो लेसन आपका चलेगा नियोजित विकास की राजनीति में, उसमें जो पहला क्वेश्चन है
वो है हाउ मैनी मॉडल्स डिड इंडिया हैव फॉर डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद भारत के सामने विकास के दो मॉडल कौन कौन से थे। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि इंडिया के सामने केवल दो ही मॉडल थे, या तो पूंजीवादी मॉडल को अपनाए या समाजवादी मॉडल को अपनाए। तो केवल दो ही मॉडल विकास के भारत के सामने थे आजादी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1944 ए ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट प्रपोज फॉर ए प्लान इकोनॉमी इन ए ज्वाइंट प्रपोजल विच वाज कॉल्ड। 1944 के अंदर उद्योगपतियों का एक समूह था जिन्होंने अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव दिया था। उस संयुक्त प्रस्ताव को क्या नाम दिया गया। 1944 के अंदर उद्योगपतियों के समूह ने अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए एक ज्वाइंट प्रपोजल दिया था जिसका नाम था बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है 1944 के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सोशलिज्म इज वन ऑफ द मेन सॉल्यूशन फॉर आवर प्रॉब्लम। सारी समस्याओं का जो सॉल्यूशन है, हल है, वो सोशलिज्म है। मतलब समाजवाद सभी समस्याओं का हल है। ये बात किसने कही, हु सेड दिस वर्ड, ये शब्द किसने कहे, ये शब्द कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने कि समाजवाद सभी समस्याओं का हल है, ये शब्द बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर इंडिपेंडेंस विच पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया। आजादी के बाद भारत ने कौन सी नीति को अपनाया, तो भारत ने पॉलिसी ऑफ प्लान डेवलपमेंट, विकास की, नियोजित विकास की राजनीति को भारत ने अपनाया आजादी के बाद। ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट के आधार पर हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ डिवीजन ऑफ कंट्रीज आर मेड इन द वर्ल्ड। ध्यान दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलप, विकास के आधार पर भारत जो पूरा का पूरा वर्ल्ड के जो देश हो कितने भागों में बटे हुए, वो केवल दो भागों में बटे हुए हैं, एक पूंजीवादी दूसरे समाजवादी। नेक्स्ट है, आफ्टर इंडिपेंडेंस विच काइंड ऑफ इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया। आजादी के बाद भारत ने अर्थव्यवस्था की कौन सी नीति को अपनाया, तो देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस विच काइंड ऑफ इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया फॉर इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलप, अपना सामाजिक और आर्थिक विकास करने के लिए आजादी के बाद भारत ने कौन सी मॉडल को अपनाया, तो भारत ने तो पूंजीवाद को अपनाया, ने समाजवाद को अपनाया। भारत ने केवल कौन सी, मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम ऑफ इंडिया प्लानिंग सिस्टम, भारत ने जो विकास की राजनीति को अपनाया था उसका उद्देश्य क्या था। भारत का आर्थिक विकास करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, आत्मनिर्भर बनाना, और सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास करना। तो एम ऑफ इंडिया प्लानिंग सिस्टम, इंडिया का जो प्लानिंग सिस्टम, उसका प्रमुख उद्देश्य भारत को आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक विकास करना और सोशल डेवलपमेंट करना और सेल्फ डिपेंडेंट, भारत को सेल्फ आत्मनिर्भर बनाना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। फ्रॉम विच कंट्री इंडिया गॉट इंस्पिरेशन ऑफ प्लान इकोनॉमी, जो प्लान इकोनॉमी, नियोजित विकास की राजनीति जो अपनाई, वो किस देश से प्रेरित होकर ली, तो भारत ने प्रेरणा ली किससे, सोवियत रशिया से प्रेरणा ली। अब हम आपको आगे बता रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन के बारे में। तो आपको जैसे हमने बताया कि जो प्लानिंग कमीशन है 1950 के अंदर उसकी स्थापना हुई थी। आपको याद रखना है, प्लानिंग कमीशन, आज हम जिसको नीति आयोग कहते हैं, ये नीति आयोग पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, या फिर प्लानिंग कमीशन को आज नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नीति की जो फुल फॉर्म है NITI, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका मतलब है भारत परिवर्तन की राष्ट्रीय संस्था, इसको हम नीति आयोग कहते हैं। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष है, वो हमेशा ध्यान रखिए, देश के उस समय जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो प्रेसिडेंट होते हैं नीति आयोग के, वो हमेशा अध्यक्ष होते हैं, इसका एक उपाध्यक्ष होता है। तो इन्हीं के बारे में आपको हम बताएंगे, ये जो नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन है, ये किस तरह का संगठन है, आपको इसमें बताना है। व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग किस तरह का संगठन है, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। देखो, संविधान के अंदर प्लानिंग कमीशन के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको लिखा हुआ होता, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन होता, लेकिन प्लानिंग कमीशन के बारे में कहीं भी संविधान में नहीं लिखा, इसलिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक है। नेक्स्ट, हु इज द प्रेजेंट हेड ऑफ द नीति आयोग, जो प्रेजेंट हेड होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस समय देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है।
तो वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगर फादर ऑफ पब्लिक प्लानिंग वाज, अब इसको देखिए ध्यान दीजिए, जनता योजना है उसके जनक कौन थे? फादर ऑफ पब्लिक प्लानिंग वाज वो थे एमन रॉय, एमन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन वाज फर्स्ट फाइव ईयर प्लानिंग कोच। अब आपको ये बताना है कि प्लानिंग कमीशन का काम होता है देश के अंदर योजनाओं को लागू करना। तो हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना है जो 1951 में शुरू हुई थी, तो उसी के बारे में बताना है। उसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, तो 1951 से लेकर 1956 तक ये योजना लागू हुई। तो वैन वाज फर्स्ट फाइव ईयर प्लान इम्पोज, तो पहली जो पंचवर्षीय योजना लागू हुई 1951 के अंदर। विच अमाउंट द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ प्लानिंग। देखो प्लानिंग जो योजना बनाई है, योजना आयोग ने जो हमारी पॉलिटिक्स थी और प्लान डेवलपमेंट की, नियोजित विकास की जो राजनीति थी, उसका परिणाम क्या हुआ? इन प्लानिंग से क्या फायदा हुआ देश को? तो इससे क्या हुआ? इंक्रीज इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। सोशल डेवलपमेंट, लोगों का सामाजिक विकास हुआ। और सेल्फ डिपेंडेंस इन प्रोडक्शन, उत्पादन के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये आत्मनिर्भर किस तरह से हुए थे वो आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, हरित क्रांति के बारे में आपको बताएंगे आगे जब क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच पॉइंट स्ट्रेस वाज लेड इन सेकंड फाइव ईयर प्लान। आपको ये बताना है कि जो सेकंड फाइव ईयर प्लान थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, उस पर किस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया कि किसका ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हमने करना है? फर्स्ट जो फाइव ईयर प्लान थी उसमें तो हमने एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया था, लेकिन जो सेकंड फाइव ईयर प्लान है उसमें किस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया? उसमें दिया गया डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योगों का विकास करने पर ज़्यादा जोर दिया था, मतलब इंडस्ट्री पर ज़्यादा जोर दिया गया, उद्योगों पर। नेक्स्ट है, हु वाज द प्लानर ऑफ सेकंड फाइव ईयर प्लान। देखो हर पंचवर्षीय योजना का एक प्लानर होता है, योजनाकार होता है। तो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी उसके प्लान वो किसने बनाए थे? पीसी महालनोबिस ने बनाए थे। पीसी महालनोबिस मॉडल के आधार पर सेकंड फाइव ईयर प्लान आधारित थी। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच इंडिया ऑप्टेड द आइडिया प्लान इकोनॉमी। अब इसमें आपको ध्यान रखना किसके कारण से भारत ने प्लान इकोनॉमी को अपनाया, ये जो नियोजित विकास की जो राजनीति थी वो किसके डिमांड पर इसको स्वीकार किया? तो भारत के अंदर उस समय बहुत ज़्यादा किसान आंदोलन संगठन चल रहे थे, किसान आंदोलन चल रहे थे, किसानों ने अपना एक संगठन बनाया हुआ था, तो डिमांड ऑफ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, किसान संगठनों की मांग पर भारत ने कौन सा विचार अपनाया? आइडिया ऑफ प्लान इकोनॉमी। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग का। इसके अंदर दिए गए हैं चरण सिंह, पी सी महालनोबिस, ड्रॉपरो बिहार, वर्गीज कुरियन, ये कुछ ऐसी चीज़ें दी गई है इससे मैच कराना है कि किससे रिलेटेड थे। जैसे चौधरी जो चरण सिंह थे वो रिलेटेड है फार्मर से, एग्रीकल्चर से। ये चौधरी चरण सिंह ये करना चाहते थे विकास की रीढ़, वो कृषि को बनाना चाहते थे, कृषि को विकास की रीढ़ बनाना चाहते थे, इसलिए कृषि पर उसने बहुत ज़्यादा जोर दिया। किसने दिया? चौधरी चरण सिंह, किसान नेता थे ये, ध्यान रखिए, कृषि को विकास की रीढ़ बनाना चाहते थे। पी सी महालनोबिस के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। सेकेंड जो फाइव ईयर प्लान थी उसका मॉडल किसने तैयार किया? एक सांख्यिकीविद थे, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिए, चाहते थे कि औद्योगिकरण के द्वारा ही देश का अच्छी तरह से विकास किया जा सकता है। ड्रॉप टॉप बिहार, ये जोनिंग से जुड़ा हुआ है। एंड वर्गीज कुरियन, जिसको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये कोऑपरेटिव डेयरी, सहकारी जो डेयरी है उससे रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको वीडियो को देखते हुए अच्छी तरह से लर्न करने हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी बच्चों को अच्छी तरह से ये लर्न करना है। थैंक यू।